गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पूरा हर्ट का अपना फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन मैंने कल आपको समझा दिया था क्या होता है। अब जो ब्लड की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा ब्लड जो नहीं है, ठीक है, उसको कहाँ भेजते हैं? राइट एट्रियम में भेजते हैं। राइट एट्रियम, राइट हार्ट के राइट साइड में जो एट्रियम वाला पार्ट है, राइट एट्रियम किसको भेजता है? वो राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेजता है? लंग्स में। अब लंग्स का काम क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, उसमें ऑक्सीजन डालना, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं, तो वो हमारे लंग्स में ही होती है, तो लंग्स ही उसमें ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं, उसका ब्लड को ऑक्सीजनेट कर। ये देखो लेफ़्ट साइड में डीऑक्सीजनेट लिखा हुआ था, अब राइट में ऑक्सीजनेट हो गया। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ कि लंग्स ने उसे ऑक्सीजनेट कर दिया। उसके बाद लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट करके लेफ़्ट एट्रियम में भेज दिया। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम ने उस ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। और उसके बाद हम हार्ट तक पहुंच गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच गया। अब हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाना। तो उसने क्या किया, मेन आर्टरी जो हमारी होती है ओटा, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी, ओटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड अच्छे ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया। अब जब बॉडी पार्ट्स उस ब्लड को यूज़ कर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, तो ब्लड वो क्या हो जाता है, फिर से डीऑक्सीजनेट हो जाता है। और ऑक्सीजनेशन का काम किसका होता है? लंग्स का होता है। और डबल सर्कुलेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हार्ट क्या है, हार्ट के अंदर से ब्लड दो बार पास करता है, वन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज़ यू हैव सीन इन दिस डायग्राम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ रिटन दैट ब्लड गोज इन टू द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इन द राइट हैंड साइड यू कैन see that blood goes in heart in the form of oxygenated blood, so it moves twice in the heart which is called double circulation। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया डबल सर्कुलेशन और ब्लड की मूवमेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स द ब्लड गोज फ्रॉम द ऑल द बॉडी पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम एंड देन इट इज़ पास टू द राइट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल पासिस द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट एट्रियम and then the left atrium passes out the blood to the left ventricle. After that the left ventricle passes the blood to all the body parts through aorta. Aorta is the main artery of the heart which I have already shown you in the heart diagram. तो आपको डायग्राम भी लर्न करना है और ये फ्लो चार्ट भी अच्छे से लर्न करना है ताकि आपको हार्ट की प्रोसेसिंग समझ आ जाए। ओके बेटा, अगला टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, वो हम कल